भृगनोरुडन्ने धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने बिल्कुल आप लोग सावधानी से सुनिएगा, अपनी अंतिम स्थिति में चल रहा था। दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध चल रहा था। तभी भीम ने दुर्योधन को मारने के लिए अपनी गदा का प्रहार उसकी जंघा पर किया। नाभि से नीचे प्रहार करना युद्ध में मना है, लेकिन भीम ने जंघा पर प्रहार किया। क्यों? सबको कथा पता है कि दुर्योधन का पूरा अंग जो है ना, वो लोहे के समान है, उसको मारा नहीं जा सकता। केवल उसके जंघा का भाग ही है, उसका कटी भाग ही एकमात्र है जो चैतन्य हमारी तरह है। बाकी उसका सर्वांगीण अंग दिखता हमारे जैसा है, लेकिन वो पूरा लोहे का है। क्योंकि गांधारी ने अपने संपूर्ण जीवन के नेत्रों की ऊर्जा अपने पुत्र को देखने के लिए निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया था, लेकिन भगवान ने आकर के ऐसी युक्ति की कि दुर्योधन से कहा, अरे निर्वस्त्र जाओगे मां के सामने? कम से कम एक कौपीन तो धारण कर लो। तो केले का पत्ता आगे लगा लिया। जैसे गांधारी ने नेत्र खोल करके देखा, संपूर्ण अंग लोहे का हो गया, लेकिन उसकी जंघा का भाग जो है वो रह गया। गांधारी ने डांटा, बोले ये तू केले का पत्ता लपेट के क्यों आया? बोले मां आपके सामने निर्वस्त्र थोड़ी आऊंगा। वही दुर्योधन के वध का कारण बना। भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया और जंघा टूटते ही दुर्योधन गिर पड़ा। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडव अपने विजय का आनंद कर रहे थे। भगवान ने संपूर्ण पांडवों को उत्सव मनाने के लिए कहा कि कल उत्सव मनाएंगे, अभी रात्रि विश्राम करो। लेकिन तभी अर्धरात्रि में दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेज दिया, जाओ सोते हुए पांचों पांडवों को मार दो, यदि हम हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो ये भी नहीं बैठेंगे। सोते हुए पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा आया, परंतु भगवान पांचों पांडवों को लेकर के कहीं अन्य स्थान पर चले गए और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांच बालकों को मार दिया। अंधेरे के कारण उसको पता नहीं चला, पांचों बालकों को मार दिया और पूरे पांडवों के समाज में उत्सव की जगह मातम मनने लगा। प्रातःकाल होते ही जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र मार दिए, द्रौपदी ने रुदन करना प्रारंभ किया। उसके उस आर्तनाद को सुनकर के अर्जुन का क्रोध बढ़ गया। अर्जुन कहने लगा, द्रौपदी तुम रोना नहीं, मैं तुमको वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जिसने भी तुम्हारे पांचों बालकों को मारा, वो कोई भी हो, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन निर्णय लेने में एक बात का ध्यान सदैव रखो। क्या? क्रोध में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो। क्या बता रहा था मैं? क्रोध में खेल रहे हैं क्या बच्चे? वाह भैया, तो मैं ये कह रहा था, क्रोध में निर्णय नहीं। जो लोग कहते हैं महाराज जी क्रोध कम करना चाहते हैं, क्या करें? क्रोध कैसे कम होगा? दो उपाय हैं। पहला, जैसे ही क्रोध आए मौन हो जाओ। भाई थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा, आप चाह रहे हो कि कोई जड़ी बूटी मिल जाए उससे क्रोध कम हो जाए, तो ऐसे तो होगा नहीं। थोड़ी प्रक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। तो जब क्रोध आए
तब मौन हो जाओ, बोलो नहीं, क्योंकि क्रोध का सबसे पहला प्रभाव, दुष्प्रभाव आपकी जीव पर होता है, और उस समय आप ऐसी भाषा का भी प्रयोग कर देते हैं जो आपने कभी नहीं बोली है। देखो, या तो जीवन में सत्संग इतना होना चाहिए कि क्रोध भी आए तो आपकी भाषा डगमगाए ना, लेकिन इतना सत्संग जीवन में नहीं है, इतना हमने अभी सत्संग किया नहीं है, तो क्रोध आने पर अपनी अपने अपनी जीव को शांत कर लो, बस मौन हो जाओ, कैसे भी करके टेप लगा लो, मुट्ठियां बांध लो, बोले बोलना नहीं है कुछ भी, बस। दूसरी बात, क्रोध में कुछ भी हो जाए पर कभी भी कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि क्रोध के समय पर आपका सर्वांगीण अंग, आपके समस्त विचार, आपकी हर स्थिति तामसिक हो जाती है, और तामसिक स्थिति में जब आप निर्णय लेते हैं तो वो आपका कभी कल्याण नहीं करेगी। आज तक भी कई लोग पछताते हैं कि हमने उस समय ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्रोध के कारण हमने ऐसा क्यों बोला, वो क्षमा मांगते हैं, बाद में बोध होता है उनको कि हम गलत थे। इसलिए क्रोध में भैया ये दो काम कर लो, एक तो मौन हो जाओ, दूसरी बात कोई निर्णय मत लीजिए। निर्णय तभी लीजिए जब आपका क्रोध शांत हो जाए। क्रोध कैसा होना चाहिए, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, जल के जैसा, पानी। पानी का स्वभाव है कि जितनी देर उसको अग्नि के ऊपर रखोगे उतनी देर ही गर्म रहता है, पर अग्नि से जैसे ही अलग कर दोगे धीरे 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 अपने आप शांत हो जाता है। कई लोग क्या होता है कि किसी बात से नाराज हो गए, बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, अब नाराज हो गए, गुस्सा आ गया, तो जब टूटी हुई वस्तु देखी तो स्वाभाविक है क्रोध आ गया आपको, आपने उस समय थोड़ा उल्टा सीधा कुछ कह दिया या कुछ कर दिया, ठीक है, लेकिन अब वो गिलास साफ कर दिया गया, स्थिति शांत हो गई, बच्चा बेचारा रो लिया, क्षमा मांग ली, सब कर ली, लेकिन अब तीन दिन हो गए अब गुस्सा ही बैठे हो, उसी बात से ही नाराज बैठे हो, ये क्रोध गलत है। जब स्थिति समाप्त हो जाए तो आपका क्रोध भी समाप्त हो जाना चाहिए, पर जो लोग क्रोध में आकर के वर्षों वर्ष तक क्रोध रहता है, वर्ष तक किसी को क्षमा नहीं करते, वर्ष तक क्रोध में ही रहते हैं, अरे इसने ऐसा किया था मेरे साथ में, ये उचित नहीं है। क्रोध जल के जैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव जल के जैसा होना चाहिए, ताप लगी है तो गर्म हो गए, लेकिन ताप से आपको कोई विलग करे तो अपने आप शांत हो जाओ, क्रोध में निर्णय मत लीजिएगा। अर्जुन को भगवान रोकने लगे, अर्जुन निर्णय मत लो, लेकिन अर्जुन नहीं माना। पांडव पक्ष के तीन लोग बचे थे, उनमें से एक अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ने बंदी बना दिया और द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया, बोले ये है तुम्हारे बालकों का हत्यारा, अपनी तलवार लेकर के खड़े हो गए अर्जुन और बोले आज्ञा करो द्रौपदी, मैं इसका सर धर से अलग करने वाला हूं, तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताओ, यही है तुम्हारे बालकों का हत्यारा। जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, द्रौपदी ने अर्जुन के आगे हाथ जोड़ लिए, बोले अर्जुन इसको मत मारो। क्यों क्यों ना मारे, कि उवाच चास हन्तस्य वन्धनानयनं सतं मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। हम क्षत्रिय हैं अर्जुन और ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के साथ साथ भी हमारे गुरु का बेटा है, गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, इसको मत मारो। पहला कारण, इसको इसलिए मत मारो क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण है। दूसरा कारण, इसलिए इसको मत मारो क्योंकि ये गुरु का बेटा है। और तीसरा कारण, इसलिए मत मारो क्योंकि ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है, इसकी मां विधवा पहले ही हो चुकी है, पति का सहारा नहीं है, और अब इसको भी मार दोगे तो इसकी मां को पुत्र का भी सहारा नहीं रहेगा, अकेली कैसे रहेगी,
मेरे पांच पुत्र मर गए पर मेरे पांच पति तो जीवित है ना, इसको मत मारो। लेकिन फिर भी अर्जुन आप चाहते हैं कि इसको मारना है तो मार दीजिए, लेकिन शर्त होगी क्या? इसको मारते ही मुझे मेरे पांचों बालक जीवित चाहिए, ऐसा हो पाएगा? नहीं। द्रौपदी की बात में धर्मम न्यायम सकरुणम निर्विलीकम शमम महत, ये पांच बातें हैं। कोई भी निर्णय लेने वाले व्यक्ति को इन पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म क्या कहता है, कहीं मेरा निर्णय अधर्म का पक्षधर तो नहीं। किसी भी प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति को न्याय का विचार करना चाहिए, मैं जो प्रतिज्ञा लूंगा उससे न्याय होगा कि नहीं। तीसरी बात, अपनी किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा में दया को जरूर स्थान दीजिए। थोड़ा दया पक्ष भी रखिएगा, निर्दयी मत हो जाइएगा, ध्यान रखिए इन बातों को। सबसे पहली बात धर्म का ध्यान रखिएगा, दूसरी बात न्याय होना चाहिए, तीसरी बात करुणा यानी कि दया होनी चाहिए, चौथी बात निर्वलीकम मतलब निष्कपटता। एक पक्ष के प्रति आपका कपट भाव नहीं दिखना चाहिए। और पांचवी बात समत्व। दंड का अधिकारी अपना पुत्र भी हो तो दीजिए, वहां पर आप मोहवश उसको मुक्त कराने का प्रयास मत कीजिए। ये पांच बातों का हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कोई भी प्रतिज्ञा लेने से पहले। धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत। द्रौपदी की बात में ये पांचों चीजें थी, धर्म भी था, न्याय भी था, दया भी थी। द्रौपदी कहती है इसको मत मारो क्योंकि ये ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रियों के लिए ब्राह्मण सदैव पूजनीय होते हैं। इसको मत मारो क्योंकि ये गुरु का बेटा है, गुरु जिसने तुमको धनुष उठाना सिखाया, जिसने तलवार उठाना सिखाया, जिसने बोलना चलना लड़ना सिखाया, उस गुरु की दक्षिणा के रूप में पुत्र को मारोगे, इसको मत मारो। तीसरी बात, ये अपनी माँ का इकलौता पुत्र है। बंधुओं धर्म कहता है कि आप जिस मार्ग से निकले हो उस मार्ग में कितनी रुकावटें, कितने कांटे, कितने गड्ढे आए हैं, यह पीछे आने वालों को बता दीजिए ताकि उनको वो कष्ट ना सहना पड़े। लेकिन हम लोग उल्टे हैं, हमसे कोई पूछे आप केदारनाथ गए थे आपकी यात्रा कैसी रही, अब केदारनाथ जाने में महाराज प्राण तो निकल गए हमारे, बस में ऐसी हालत हो गई, हेलीकॉप्टर में ये आओ, फिर वहां ऊपर खच्चरों ने तो फिसल फिसल के हाथ पांव तोड़ दिए, फिर दर्शन में भी कोई स्थिति नहीं, वहां पर ऊपर कोई व्यवस्था नहीं थी, और महाराज सर्दी जुखाम हो गया, गर्म पानी नहाने को नहीं मिला, भीड़ के कारण हाथ पांव सब हमारे दब गए, पिच गए, स्थिति तो ऐसी हुई। लेकिन किसी ने पूछा कैसी रही यात्रा, हम भी बना रहे हैं अगले महीने जाने का। बहुत बढ़िया, एक नंबर, बस की सुविधा तो बहुत ही अच्छी, माँ ऊपर रहने की व्यवस्था तो बहुत बढ़िया, गीजर 24 घंटे चलता है, भीड़ तो बिल्कुल होती नहीं है, सुबह के समय जाना कोई बिल्कुल साफ मिलेगा, सीधे जाओ प्रणाम करे, निश्चित जाओ, पूरे परिवार सहित जाओ। और मन में क्या सोच रहे बेटा जा, तुझे भी तो पता चले। नहीं, अगर हमको किसी मार्ग पर कष्ट हुआ है तो चाहिए कि पीछे उस मार्ग पर जो आ रहे हैं उनको सावधान किया जाए। द्रौपदी कहती है कि पुत्र के मरने पर मां को कितनी पीड़ा होती है, वो पीड़ा अभी मैं सह रही हूं अर्जुन, और मैं नहीं चाहती कि पुत्र मरने पर जो पीड़ा इस मां को हो रही है वो इसकी मां को हो, इसलिए इसको मत मार। बंधुओं इतनी बात हो गई, सब लोग चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे, लेकिन तभी सिसकियों की आवाज आने लगी, कौन रो रहा है?
दूर खंभ से सिर टेके हमारे द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए और आसपास खड़े लोगों से ठाकुर जी कहने लगे, मेरी बहन है ये बहुत बड़ी बात है। अरे माँ का इतना ममत्व होता है अपने पुत्र से, इतना ज्यादा ममत्व होता है, वो डराती है अपने पुत्र को, रुक जा तेरे पिताजी को आने दे, बताऊंगी उनको मैं, ऐसे करता है ये। लेकिन पिताजी जब आ जाते हैं तो पिताजी को बता भी देगी, लेकिन पिता जैसे डांटने लगे तो तक ठीक है, लेकिन पिता कहीं हाथ उठाने लग जाए तो माँ आगे आ जाती, नहीं मारोगे नहीं, सुना कितना भी लो मार नहीं।